नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फर्स्ट मई यानी कि लेबर डे है। लेबर डे तो सबसे पहले हम जानेंगे लेबर। लेबर का क्या मतलब है? ऐसे लोग जो हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करके हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, जैसे कि घर में आने वाली हमारी बाई, और रोज हमारे घर में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो कौन लेके जाता है? कचरे वाले भैया लेके जाते हैं। इसके अलावा गार्डनर और आपके हमारा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद से हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। बच्चों, इनकी मदद के बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं। कोशिश करते हैं हम कि इन कामों को कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम इनकी मदद के बिना नहीं कर सकते हैं। तो आज लेबर डे के उपलक्ष्य में हम पढ़ाई से थोड़ा हटकर सबसे पहले कहानी सुनेंगे। कहानी जो कि हमारे रूटीन वाले जो जीवन से संबंधित ही है। इस कहानी में एक लड़की है, रीना। रीना जो कि सुबह उठी है और अपना उसने सारा जो भी रूटीन का काम होता है, नहाना और खेलना कूदना एक्सरसाइज करना, ये सब कर लिया उसने। और अब वो अपनी मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट करते करते अचानक से बाहर से एक गाना बजता है, स्वच्छ भारत का इरादा। सुनते हैं आप लोग, कहां से आवाज आती है ऐसी? हाँ बिल्कुल सही, अब आए हैं कचरे वाले भैया। अब रीना की मम्मी ने कहा, बेटा जाओ जरा कचरा बाहर डाल के आ जाओ। रीना बाहर जाती है और जोर से चिल्लाती है, ए कचरे वाले, ले ये कचरा भी ले जा। अब रीना की मम्मी उसकी जब आवाज सुनती है तो बहुत उन्हें बुरा लगता है, और कचरे वाले को तो बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसे शब्द रीना किसके लिए उपयोग कर रही है, कचरे वाले भैया जो कि उससे उम्र में भी बड़े हैं और इतनी मदद करते हैं। रीना जब अंदर आती है तो उसकी मम्मी उसे समझाती है, रीना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने हेल्पर्स के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अंकल भैया ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और उनको बाद में थैंक यू बोलना चाहिए। पर रीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब रीना की फ्रेंड है सोनाली, जो कि उसके साथ स्कूल जाने के लिए आई है। अब रीना और सोनाली जब स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक घर बन रहा होता है। घर बनता है ना, कौन कौन बनाता है? मिस्त्री मजदूर ये सब लोग मिलकर बनाते हैं। अब क्या होता है, जब रीना उस मिस्त्री को देखती है कि वो घर बना रहे हैं तो क्या बोलती है, क्या स्टूपिड वर्क है, इतना टाइम लगाते हैं इस काम को करने में ये, और मैं तो सेकेंडों में ये काम कर दूं, मेरा तो चुटकियों का खेल है। आप लोग भी बोलते हैं ना, मैं तो इस काम को जल्दी से कर दूंगा। लेकिन नहीं बच्चों, जो वो हमारे लिए काम करते हैं बहुत मुश्किल काम होता है। तो अब रीना की फ्रेंड सोनाली सुन रही होती है ये सब बातें, उसको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो क्या कहती है, रीना तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब रीना और सोनाली जब स्कूल जाते हैं तो उनकी जो टीचर है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है और टीचर क्लास में आती है, और उस दिन वो भी लेबर डे के बारे में बच्चों को बता रही होती है, और लेबर डे के बारे में उनको बताकर हमारे जो हेल्पर्स हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए कहती है, उनका महत्व बताती है कि किस तरीके से वो हमारे दैनिक जीवन में हमारी सहायता करते हैं। अब रीना को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। रीना स्कूल से वापस आती है अपनी फ्रेंड सोनाली के साथ। वापस आते समय वो जो मिस्त्री अंकल होते हैं वहां पे, जो घर बन रहा होता है, मजदूर अंकल होते हैं, उनको सॉरी बोलती है और उनके इस योगदान के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। और फिर रीना और सोनाली घर जाते हैं।
घर जाकर रीना अपनी मम्मी को सॉरी बोलती है और क्या कहती है कि मम्मा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है आज और मैंने कचरे वाले भैया को बहुत बुरे शब्द कहे हैं, तो कल मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी। अगले दिन फिर से कचरे वाला आता है और रीना उनको सॉरी बोलकर थैंक यू बोलती है। तो इस प्रकार बच्चों बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो हमारे पूरे दिन में बहुत मदद करते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, तो हमें भी उनका योगदान समझना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए और उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। हम उनकी थोड़ी थोड़ी मदद भी कर सकते हैं। तो आज इस लेबर डे के उपलक्ष्य में बच्चों आप लोग भी ये शिक्षा लीजिए, ये प्रण लीजिए कि इन सभी को आप थैंक यू बोलेंगे और जो हो सके आप इनकी मदद करेंगे। ओके, बाय।